क्या हो गया दामाद जी, क्या हो गया? आप यहाँ कैसे आ गए? ये सब, ए चाबी ला, ये सब कैसे हुआ? किसने तुम्हें अंदर डाला दामाद जी? क्यों तुमने मुझे अंदर डाला? और अब तुम खुद ही मुझे निकाल रहे हो? क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको क्यों अंदर डालूंगा? ए, किस बेवकूफ ने इनको अंदर डाला? तूने जिस बेवकूफ को बोला था उसी ने मुझे अंदर डाला। दामाद जी आप बार बार गलत समझते हैं, मुझ पर विश्वास कीजिए, सच कहता हूँ, मेरी बहन की कसम खाता हूँ, मैंने आपको अंदर नहीं डाला। तूने अगर अंदर नहीं डाला तो किसने डाला? मुझे पता नहीं। ऐसे कैसे तुम्हें पता नहीं? मैं वो कुछ नहीं जानता दामाद जी, मुहूर्त का टाइम हो रहा है, आप जल्दी से चलिए, ये सब बाद में बात कर लेंगे। सुनो, मैं अपने दामाद को लेकर जा रहा हूँ, हिसाब किताब बाद में देख लेंगे, चलिए दामाद जी। काशी तुम तो ऐसा कर रहे हो जैसे कोई पिक्चर दिखाने ले जा रहे हो, ये सेंट्रल जेल है, तुम जैसा चाहोगे वैसा नहीं होगा, तुम्हारा बहनोई यहीं रहेगा, तुम जाओ यहाँ से। क्या साले साहब, पुलिस वाला ऐसी बातें करता है? अगर तुम्हारे पास इतना ही पावर है तो मुझे बाहर निकालो, तब तक मैं ऊपर बैठता हूँ, ठीक है? रुकिए दामाद जी, मैं कुछ करता हूँ। किस से बात कर रहा है तू? काशी से बात कर रहा है? जो बोल रहा हूँ सुनो काशी, कोर्ट के परमिशन के बिना मैं किसी को नहीं छोड़ सकता, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। साले साहब ये सब देखकर लग रहा है कि तुम्हारी बहन की शादी तो नहीं होने वाली है, अगर शादी होनी है तो बात करके कैसे भी मुझको यहाँ से बाहर निकालो, तब तक मैं ऊपर बैठता हूँ। क्या दामाद जी, मंडप में मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, मैंने कहा ना मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। मैंने तेरे को बोला ना यार, तेरे को एक बार मुझे इनको ले जाने दे, बाद में मैं वापस आकर तेरा सेटअप कर देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे एक और मीटिंग रखना पड़ेगा। एक और मीटिंग? ऐसा? पहले से ही मीटिंग करके 2 करोड़ का खर्चा किया है मैंने ये देखने के लिए? सुन ले, अगर मेरे दामाद को ले जाने नहीं दिया तो मैं आईजी को फोन करूंगा। कॉन्फ्रेंस रूम में जो 2 हाथ से पैसे बटोरे उसका वीडियो बना कर रखा है मैंने, तुझे जेल में बंद करवा दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? ये मीटिंग बोल रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं, 2 करोड़ रुपए क्या बोल रहे हैं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं। अरे कुछ नहीं दामाद जी, वो दीपिका मर्डर केस है ना जिसमें तुम्हारा भाई अंदर था, उसको बाहर निकालने के लिए मैंने 50 लाख रुपए दिए हैं। क्या हुआ बहना, तुम यहाँ क्यों आई? आप जो यहाँ बात कर रहे हैं उस सबका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। सॉरी काशी, आप मेरे बाप समान है, माँ समान है, मेरा सब कुछ है। अगर आपके हाथों में हथकड़ी लगने से मेरी शादी होगी तो ऐसी शादी नहीं चाहिए मुझे। ऐसा प्यार भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी। अब भी मैं बच सकता हूँ, वो सब की जरूरत नहीं, तुझे अपनी पसंद का लड़का मिले इसलिए ये सब मुसीबत उठाई मैंने, तेरी खुशी ही मेरा सब कुछ है। तूने जो कुछ भी कहा मैंने वो मान लिया, तेरे लिए जिंदगी भर जेल में रहने को तैयार हूं, मेरे लिए अपने प्यार की कुर्बानी मत दे, मेरी बात मान। सुपर माय डियर बिग बी, थैंक यू, बहुत समझदार हो। मेरे आदमी को अपनी तरफ करके तुमने मुझे ही फंसा लिया। गुस्सा तो तुम पर बहुत आता है मुझे, पर मेरी बहन को मनपसंद साथी मिला इस बात की खुशी है। दामाद जी मेरी बहन बहुत अच्छी है, मुझ पर बहुत प्यार था इसलिए कोई गलत हरकत की होगी, अब उस बात को आगे मत बढ़ाना, मैं बुरा आदमी हूं, मुझ पर गुस्सा करो।
मेरी बहन पर गुस्सा मत करना दामाद जी, उसे अपना लीजिए बिग्बी, अपना लीजिए। प्लीज। तो जैसे गुंडे की बहन को तो मैं कभी नहीं अपना सकता। लेकिन जिससे मैं बेहद प्यार करता हूं उसे अपनाऊंगा। काशी, अभी तो मेरे डिपार्टमेंट के बारे में मालूम पड़ा ना? इस सब के पीछे तुम? पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को मेरी मूछों पर नजर है, और तेरी इतनी हिम्मत तूने उसी पे हाथ रख दिया। अच्छा है, अब अपनी मूछों का कमाल तुझे अभी दिखाता हूँ। क्या जमाई बाबू, अब चले ससुराल? सर, मूछों को संभालना। ये स्ट्रॉन्ग है। अब चले क्या? खुशी से चलेंगे। बिग्बी, तुम जैसा अच्छा समझदार शक्तिशाली दामाद मुझे मिला है। दामाद जी, आखिर जीत मेरी हुई। कहा क्या, सुना क्या, सुना रे, तुझे चाहे चाहे